अरे भाई क्या दिक्कत है, एक बार नहीं हजार बार जय श्री राम बोलो। ये बात कही है शमी ने। एक बार फिर शमी ने दिल जीत लिया है। शमी हमारे पास एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। ये सारी बातें शमी को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही है। दरअसल शमी ने एक बयान दिया है जिसके बाद हर कोई शमी का दीवाना हो गया है और मोहम्मद शमी को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहा है। हर कोई शमी की इस बात को सराहा रहा है, लेकिन शमी ने पूरी बात क्या कही है चलिए वो आपको बताते हैं। एक टीवी चैनल से इंटरव्यू के दौरान उनसे क्वेश्चन पूछा गया धर्म को लेकर, तो उसी क्वेश्चन का जवाब करते हुए उन्होंने कहा कि हर धर्म में 5 से 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सामने वाले को पसंद नहीं करते, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सजदा वाली बात आई थी, जैसे कि आज आपका मंदिर बन रहा है तो जय श्री राम कहने में क्या दिक्कत है, हजार बार बोलो ना। अगर मैं अल्लाहु अकबर कहना चाहता हूँ तो मैं इसे हजार बार कहूंगा, इसमें क्या फर्क पड़ता है। इसमें किसी का कुछ नहीं जाता और किसी से ना ही कुछ लिया जाता, लेकिन जो गेम खेल सकता है वो गेम खेलता है। आपको बता दें इससे पहले भी बहुत सारी धर्म से जुड़ी कंट्रोवर्सी मोहम्मद शमी को लेकर होती रहती है और उन पर सवाल भी तरह तरह के बार बार उठाए जाते हैं। ऐसे ही एक बार उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी सजदे को लेकर। इससे पहले शमी ने सजदा करने पर भी काफी ट्रोल्स का निशाना सहा था। श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट लेते हुए शमी दरअसल जमीन पर बैठ गए थे, जिससे लोगों ने कहा था कि सजदा कर रहे हैं। इस पर शमी ने सफाई भी दी थी। शमी ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बार बार विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे और 5वें विकेट के वक्त वो बहुत ज्यादा थक गए थे और जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ विकेट ली तो वो जमीन पर बैठ गए और वही चीज लोगों ने कैप्चर करके सोशल मीडिया पर फैला दी और कहा कि शमी सजदा कर रहे हैं। इसकी सफाई देते हुए भी शमी ने था कि मैं जब चाहूं तब सजदा कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उस वक्त मैं सजदा नहीं कर रहा था, मैं थक गया था। ऐसे ही अगर हाल फिलहाल की बात करें तो शमी पैर में या कहें एड़ी में चोट के चलते साउथ अफ्रीका दौरे और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर चल रहे हैं। हालांकि शमी आने वाले आईपीएल में वापसी कर सकते हैं, यहां वो अपनी क्लास दिखा सकते हैं। इसके अलावा वो T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह भी बनाना चाहेंगे। लेकिन ये तो बात रही शमी को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी की, कि क्या शमी को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी पहले हो चुकी है और अब उनका बयान लोगों को कितना पसंद आ रहा है। आपका क्या मानना है शमी के इस बयान को लेकर, क्या शमी का यह बयान आपको पसंद आया, या जो भी है अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़बुक के साथ।